नमस्कार, मैं हूं साहेब अली और आप देख रहे हैं livecity.in। पहले एक्स मिनिस्टर और जदयू के बड़े नेता दामोदर रावत और अब फिर उन्हीं के बेटे राजीव रावत की सफाई जो कि है मीडिया में सामने आई है। राजीव रावत ने अपने निष्कासन पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मुजफ्फरपुर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्रजेश ठाकुर से संबंधों को लेकर चर्चा में आए राजीव रावत अब जो कि है सोशल मीडिया के जरिए सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनके पिता की छवि को ख़राब करने की साजिश की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ब्रजेश ठाकुर से उनकी कोई नज़दीकियाँ रही हैं। राजीव ने मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीरों को फेसबुक के माध्यम से सामने रखते हुए कहा है कि उन तस्वीरों का मुजफ्फरपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो तस्वीरें मुजफ्फरपुर की नहीं बल्कि जमशेदपुर के एक होटल की है। उन्होंने होटल का नाम भी उसमें दर्ज कराया है। उन्होंने लिखा है कि होटल दर्पण में ये तस्वीरें ले गई थी 2017 में, और उनके ये जो तस्वीरें हैं वो उनके करीबी मित्र की शादी के समारोह की तस्वीरें हैं। जाहिर है कि जैसे ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में जदयू के सीनियर लीडर दामोदर रावत और वो एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका नाम जैसे ही इस मामले में उछाला गया उसके बाद उनकी सफाई आई। सफाई में उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और उनका कोई संबंध नहीं है जो ब्रजेश ठाकुर हैं उनके साथ। इसके बाद आज उनके बेटे जो हैं राजीव रावत, उन्होंने सफाई दी है, फेसबुक के माध्यम सफाई दी है। आपको बता दें कि इस मामले में जदयू की ओर से ऐसा कहा जा रहा था कि उनके ब्रजेश ठाकुर के साथ जो है प्रगाढ़ संबंध है, इसके वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। लेकिन उनके पिता ने कहा था कि राजीव रावत को जो निष्कासन उनका हुआ है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब राजीव रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो आज तक मुजफ्फरपुर गए भी नहीं है। इसके साथ ही साथ ब्रजेश ठाकुर के साथ भी उनका कोई संबंध नहीं है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए, हम बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें।